दिया, उसके लिए हमने एक बड़ा प्याज लिया है और लंबा लंबा कट कर दिया है, और हमने एक हरी मिर्ची ली है उसको भी हमने वॉश करके कट कर लिया है। नेक्स्ट हम लेंगे बेसन, बेसन लिया है हमने, अभी हम इसमें ऐड कर देंगे जो प्याज कट के कर दिया था पूरा इसमें डाल देंगे और हरी मिर्ची भी डाल देंगे। उसके बाद हमने इसमें ऐड कर देना है लाल मिर्ची पाउडर डाल देना है स्वाद अनुसार, और नमक डाल के थोड़ा सा पानी डाल के हमें इसको मिक्स कर देना है, अच्छे से मिक्स कर देना है। जैसे कि अभी आप देख सकते हो अच्छे से अभी ये मिक्स हो गया है, और अब हम इसको फ्राई करेंगे। अब कढ़ाई ली है हमने, उसमें अभी ऑयल डाल दिया है, अभी हम इसको हाथ की हेल्प से हमें इसे फ्राई करना है, चम्मच से नहीं डालना। अच्छे से ब्राउन होने तक इसको फ्राई करना है। जैसे कि अभी आप देख सकते हो ये अच्छे से अभी ब्राउन हो गए हैं, इसी तरह से हमने सबको इसी तरह से फ्राई कर देना है, बहुत ही टेस्टी बनते हैं। अभी ये रेडी है, आप इसको एक बार ट्राई करके देखिए, बहुत ही टेस्टी और अच्छे बनते हैं। एक बारिश के मौसम में कांदे के ये भुजिया बहुत अच्छे बनते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो ज़रूर लाइक कीजिए। थैंक यू।